नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं कि परिमेय संख्या को हम कैसे जोड़ेंगे और ऐसी परिमेय संख्या जिनका हर सेम है उनको हम कैसे जोड़ेंगे और ऐसी परिमेय संख्या जिनका हर डिफरेंस है तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे। ये दो प्रकार के प्रश्न इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए वीडियो अब डेली आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऐसी परिमेय संख्या हमें लिखनी है जिसके हर सेम है। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसको समझ लेंगे भैया परिमेय संख्या होता क्या है कि अंश बटे हर। अंश बटे हर, देखिए ऊपर हमारा अंश होता है और ये जो लाइन खींचते हैं इसको हम बटा की लाइन कहते हैं, बटे की, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बटे की लाइन। अंश बटा और ये हमारा क्या होता है, हर। अंश बटा हर, ऊपर वाला अंश होगा और नीचे वाला क्या कहलाता है बच्चों, हर कहलाता है। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, अंश, ये लाइन जो होती है इसको हम बटा कहते हैं, अंश बटा हर, ठीक। अब क्या है, हम ऐसे परिमेय संख्याएं लिखनी है सबसे पहले जिसके हर एक जैसे हैं। तो मैंने ऊपर एक संख्या ले ली तीन बटा, नीचे लिख लेंगे दो, ठीक है। हमें जोड़ना है तो हम क्या कर देंगे, प्लस लगाएंगे। अब लिखेंगे चार बटा दो। तो मेरे पास ये दो परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या है, दो। लेकिन मैंने आपसे कह दिया ऐसी परिमेय संख्या लिखनी थी जिसके हर हमारे बराबर हो, एक जैसे हो। तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर लिखा होता है, यहां भी ऊपर अंश है नीचे हर। तो इनमें जो बटे में लिखा होता है वो हमारा हर होता है, और इन दोनों परिमेय संख्याओं में हर कितना है बच्चों, दो। इसका मतलब दोनों परिमेय संख्याओं का हर कैसा है, एक जैसा है। जब हर एक जैसा होता है तो उनको जोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम बटा की लाइन खींच लेंगे। ये बच्चों काय की लाइन है, बटे की लाइन, ठीक है। इस बटा की लाइन खींचकर जो हर में लिखा है, जो हर एक जैसे है, उसे हम लिख लेंगे एक बार। अब क्या है, ये तो मेरे हर हुए और ऊपर वाली संख्या क्या कहलाती है, अंश। ऊपर वाली संख्या बच्चों क्या कहलाती है, अंश। अब इन अंशों को हम जोड़ देंगे, बीच में अगर प्लस चिन्ह है तो हम जोड़ देंगे, अगर माइनस होता तो हम इन्हें क्या कर देते, घटा देते। तो यहाँ लिखे हम तीन और प्लस यहाँ क्या कर देंगे, चार। अब तीन में जब हम चार जोड़ देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, सात। और बटा लगाकर जो हमारा हर में लिखा है वो हमारा वही रहेगा, यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में नहीं आया है तो आपको मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल देख लीजिए। अगर मेरे पास संख्या दी है तीन बटे सात प्लस, तीन बटे सात प्लस नौ बटे सात, यहां पर परिमेय संख्याएं मेरे पास कितनी हैं, दो हैं। अगर चाहें तो आप परिमेय संख्याएं बढ़ा भी सकते हैं, तीन बटे सात, छह बटे सात। परिमेय संख्याएं बच्चों कितनी क्यों ना हो, लेकिन हमें सबसे पहले परिमेय संख्या को अगर जोड़ना है तो हमें यार देखना क्या पड़ता है, हमें हर देखने हैं। हमें ऐसी परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं वो बता रहा हूं जिसके हर क्या है, बराबर है। देखिए ये परिमेय संख्या का अंश कितना है, तीन, हर कितना है, सात। दूसरे परिमेय संख्या का हर कितना है, सात, अंश कितना है, नौ। तो हर इनके सभी के सेम है, ऐसी परिमेय संख्या है जिसके हर सेम है, चाहे एक हो परिमेय संख्या, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे कितनी क्यों ना, तो उनको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। हम क्या करेंगे, उसकी एक बटा की लाइन खींचते हैं बच्चों, क्या करता है, करना पड़ेगा हमें बटा की लाइन खींचना है, और बटे की लाइन खींच कर हमें करना क्या पड़ेगा, जो हर में है, हर कितना है, सेम है, उस हर को हमें एक बार लिख लेना। बटा की लाइन खींचेंगे और जो हर एक जैसा होता है उसे हम एक बार लिखकर और इनके सभी अंशों को आपस में जोड़ देंगे। ऊपर वाला क्या कहलाते हैं बच्चों, अंश कहलाते हैं, इनको हमें जोड़ देना है। तो तीन प्लस ये हमारा नौ हो जाएगा, प्लस तीन प्लस छह। अब इन सभी को क्या कर देना है, जोड़ देना है, और हमारा कितना हो, छह तीन नौ और नौ नौ अठारह, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्कीस। बटे में मेरा कितना हो जाएगा, सात। संख्या हमारी कटने वाली है तो इसे हम काट देंगे, जैसे सात के पहाड़े में क्या इक्कीस आता है, आता है, सात एकम सात और सात तीन इक्कीस, तीन से सात से डिवाइड हो जाता है तो हमारा ऊपर हो जाएगा तीन और बटे में क्या हो जाएगा, वन। संख्या वन, बटे में वन चाहे लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे इसका आंसर तीन बटे एक कर दो
और चाहे इसको लिख सकते हैं खाली एक। तो इस तरीके से ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके हर सेम है तो उनको आपस में हम आसानी से जोड़ सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे टाइप के सवाल बताने जा रहा हूं जिसके हर कैसे हैं बच्चों डिफरेंस हैं, कैसे जोड़ेंगे उनको। मेरे पास मान लीजिए संख्या दी है 4/7 प्लस 9/5। बच्चों मेरे पास दो परिमेय संख्याएं दी हैं और ऐसी परिमेय संख्याएं दी हैं जिसके हर कैसे हैं डिफरेंस। देखिए ये पहली परिमेय संख्या है 4/7 प्लस 9/5। पहली परिमेय संख्या दी है तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया ऐसी परिमेय संख्याएं जिसके हर कैसे हैं डिफरेंस हैं तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले मेरे पास परिमेय संख्या है 4/7, दूसरी परिमेय संख्या है 9/5। इसका हर हमारा 7 है, इसका हर क्या है 5 है। अगर हर डिफरेंस होते हैं तो हमें करना पड़ेगा हर का एलसीएम लेना पड़ता है। इसका हर हमारा कितना है 7 और इसका हर हमारा 5 है तो हमें 7 और 5 का हमें लेना पड़ता है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये मेरे पास 7 है और कामा लगा देंगे 5 लिखेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या हमारे पास 5 से कटने वाला है, 5 5 से कटेगा और 5 के पारे में 7 नहीं आता है, मतलब 5 7 जो है 5 से नहीं कटने वाला, तो 7 को हम ऐसे लिख लेंगे और 5 1 5 फिर 7 से कट जाएगा 7 1 7। तो हमारा 5 × 7 हमारा जो एलसीएम आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अरे जितना हर का जो एलसीएम आया है उतने ही हमें हर बनाने हैं, ठीक है। हमने हर का ये हमारा पहली परिमेय संख्या हर कितना 7 है और इस दूसरी वाली परिमेय संख्या का हर कितना है 5। इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर जब डिफरेंस है तो इन दोनों हरों का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया, अरे एलसीएम मेरा 35 है, जो एलसीएम आया उस उतना ही हमें हर बनाना है। पहले परिमेय संख्या मेरे पास कितनी थी 4/7 है, हमें इसके हर को बनाना कितना पड़ेगा बच्चों, जितना एलसीएम आया है, एलसीएम मेरा कितना आया 35 आया, तो हमें यार 7 दिया है बनाना है कितना 35, कितना बनाना बच्चों 35 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 5 से इसे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 को 5 से अगर हम 7 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 35। जितना एलसीएम आया है उतना हमें हर बनाने पड़ेंगे, तो हमने हर बना लिया 35 और जो काम हमें हरमा करना है वही काम हमें अंश में, ये संख्या हमने 5 से यहाँ गुणा की इसलिए हमें अंश में भी 5 से ही गुणा करना पड़ेगा। बीच में प्लस है लगा दीजिए, दूसरी परिमेय संख्या लिख देंगे 9/5 लिख दिया बच्चों। अब भैया इस वाली परिमेय संख्या का हर भी हमें कितना बनाना है 35, क्यों, अरे जितना एलसीएम आया है उतना ही तो हर बनाना है ना, तो हर हमारा कितना है 5 है, बनाना है 35 तो हमें गुणा करना पड़ेगा 7 से, तो 7 से इसको गुणा करेंगे और 7 को हमें अंश में ही गुणा करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 5 × 20 और 5 × 7 = 35, हर हमारा 35 आ गया और 9 × 7 = 63 और 5 × 7 = 35। अब बच्चों देखिए वो परिमेय संख्या हमने बना ली जिसके हर एक जैसे हो गए तो इनको जोड़ना अब बहुत ही आसान हो गया, जो मैंने पहले फार्मूला लगाया था उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, जब परिमेय संख्याओं के हर सेम होते हैं तो हम बटा की लाइन खींचेंगे और एक बार उसे लिख देंगे, लिखने के बाद इसका अंश और इसके अंश को हमें जोड़ देना है, 20 प्लस हमारा हो जाएगा 63 और 20 में जब 63 जुड़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 63 जुड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83 हमारा 35 आ जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि अब हमारे चैनल पर भी इस मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है।